देखिए दोस्तों कितना भयंकर पानी है इस तरफ देख सकते हैं। इस नदी का नाम है बी नदी, जो कि बरसाती नदी है, बरसात के मौसम में ही आती है। और एक और बात बता दूं कि इस नदी के नीचे होकर ये नहर गुजरती है, आप देख सकते हैं। ये है शक्ति नहर, जो कि चीला पावर हाउस में 144 मेगावाट की बिजली पैदा करता है। तो क्या सरकार तब जागेगी जब बी नदी की वजह से इस नहर को कोई नुकसान पहुंचेगा? तो आप खुद देख सकते हैं कि नहर भी अभी बंद हो चुकी है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे बी नदी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। और ये जो बी नदी आने की समस्या है, ये सिर्फ हमारे गांव की नहीं है, बल्कि 84 गांव इस नदी से जुड़े हुए हैं, इस रास्ते से, जिनका आवाजाही का एकमात्र रास्ता यही है। और आप देख सकते हैं कि आज सुबह से एक भी गाड़ी उधर से इधर नहीं गई और इधर से उधर नहीं गई। न जाने कितने लोग अपनी ड्यूटी पे नहीं गए और न जाने कितने बच्चे अपने स्कूल में नहीं गए। और बी नदी के पुल के लिए आमरण अनशन से लेकर पता नहीं कितने धरना प्रदर्शन भी हो चुके हैं, पर पता नहीं क्यों सरकार चुप है। और पता नहीं क्यों ये तो लगा दिए उन्होंने, यही बोल सकते हैं कि छोटे मोटे चीज दिखाने के लिए, इनके रंग रोदन के लिए पता नहीं क्यों खर्चा करती है सरकार। यहाँ पे पहले ऐसा सीमेंटेड था और इन्होंने ये बना दिया ताकि बी नदी आए तो लोग आराम से देख पाए, आराम से इसको पकड़ के अच्छे से देख पाए, बस यही समझ रहे हैं हम, बाकी कुछ नहीं। सरकार हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रही है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कल रात को थी जन्माष्टमी और श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है और इतनी तेज मूसलाधार बारिश हुई है, जो बारिश द्वापर युग में हुई होगी, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, वही पूरी वही बारिश कल रात को हुई है। और आप नज़ारा देख सकते, पूरा पानी पानी हो गया पूरा, यहाँ पूरा ही तो जमुना नदी बन चुकी है। हमारा खाला ग्राउंड जो है वो पूरी जमुना नदी बन चुकी है, आप देख सकते इतना सारा पानी, पूरा यहाँ यहाँ तक पानी, दूर दूर तक भी हमें पानी पानी नजर आ रहा। और अभी हम जा रहे हैं बी नदी देखने के लिए और बहुत सारे लोग जा रहे हैं, क्योंकि हमने सुना है कि बहुत ज़्यादा आ रखी है बी नदी, तो वही देखने हम जा रहे हैं। और ये भी सुना है कि कहीं गांव में ना बादल भी फटा है ना, शायद किसी गांव में, अभी पूरा पक्का पता नहीं है, यमकेश्वर में किसी गांव में बादल भी फटा है, तो उसकी वजह से शायद इतना सारा पानी आ गया इस बार। और इससे तो हमारे गाँव को भी खतरा है, क्योंकि अगर ऐसे ही बढ़ता रहा पानी तो ये उधर की साइड जाएगा। ये पानी जलमुर्गी बोलते हैं इनको, बहुत बढ़िया तैरती हैं। वाह, मैं तो पहली बार देख रही ऐसा, ये खाला ग्राउंड में इतना सारा पानी। दोस्तों ये वही ग्राउंड है जिसमें पैराग्लाइडिंग हुई थी, वही ग्राउंड है ये। ऐसा हॉलीवुड मूवी में नहीं होता क्या, जंगल में और जंगल में पानी रहता है ना, पूरा हॉलीवुड वाला सीन लग रहा। अरे आगे आ जाओ, जिसमें एनाकोंडा वाली मूवी है क्या, एनाकोंडा वाली मूवी में नहीं है ऐसा ही, पेड़ आधे डूब चुके रहते हैं, पेड़ पे चढ़े रहते हैं वो, एनाकोंडा आता है इधर से उधर से। भाई भाई साहब, भाई दिवाना नमस्ते। हां बट दिना उस पेड़ की जो झाड़ रही होगी ना, उसी पेड़ में दिना कहीं जाने दे रहा हूँ उसने। देखो ये इधर का पानी आ रहा, खाला से निकल रहा है ये वाला पानी। सुनो तो पूरी रोड टूट गई, टूट गया भाई यार, कितना बड़ा पेड़ और खुद है के। बाप रे, ये भी रोड, ये है, ये रोड है। हाँ खाला से कितना सारा पानी आ रहा, बाप रे। भगवती तव तीरे नीरमात्र शरोहम् विगत विषय तृष्णा कृष्ण माराधयामि, विगत विषय तृष्णा कृ
कृष्णमाराधयामि सकल कलुष भंगे स्वर्ग सोपान संगे सकल कलुष भंगे स्वर्ग सोपान संगे भरण तर तरंगे देवी गंगे। विगत विषय तृष्णा कृष्णमाराधयामि सकल कलुष भंगे स्वर्ग सोपान संगे सकल कलुष भंगे स्वर्ग सोपान संगे भरण तर तरंगे देवी गंगे। स्वर्ग की परछाइयां दिखती तेरे या जल तले माँ तेरी हर बूंद में बहती हुई ममता मिले तू हथेली तन पे फेरे मन को भी निर्मल करे जिस तरह को